रहेगा, ये उनको चैलेंज है, प्रोग्राम होके रहेगा, जो करना है यहाँ आके कर लो, लेकिन प्रोग्राम होके रहेगा, प्रोग्राम में कुछ भी नहीं होने वाला है। रिधा तुमको यहीं खड़े मिलेगी, आओ। जोगेश्वरी से आती है और लोखन वाला नहीं, जोगेश्वरी जरा गरीब का एरिया है, ये जरा अमीर के एरिया से आती है, लोखन वाला से चलती हुई, जोगेश्वरी जरा गरीब का एरिया है, तो ये अमीर के एरिया लोखन वाला, जहाँ पे अमिताभ बच्चन रहता है, अक्षय कुमार रहता है, वहीं पे रीता रशीद मैडम रहती है, तो हम लोग गरीब लोग यहीं पे रहते हैं, मुमरा आसपास में, शिवाजी नगर। क्या मैं अंधेरी से आई हूँ, जोगेश्वरी गरीब है, तो अंधा साहब जोगेश्वरी में ही लोखन वाला है। अंधा साहब ये वसई की बेटी है, ये भाजी वाले की बेटी है, ये किसी अमीर की बेटी नहीं है। आपने मेरा ससुराल तो याद रख लिया, मेरा मायका नहीं याद रख पाए, क्योंकि आपको बोलने वाले एक साइड बोलते हैं, दूसरा साइड बताते नहीं है। आपकी गलती नहीं है, ये बोलने वाले, ये चमकेगिरी करने वाले, गलत नारे लगाने वालों की गलती है। यहाँ पे मौजूद मेरे उत्तर भारत के, बिहार के, मध्य उत्तर प्रदेश के सभी भाइयों और बहनों, इस छठी मैया के पावन अवसर की सभी को शुभकामनाएं देता हूं, और मेरे साथ जोर से बोलने को आपको भी कहता हूं, छठी मैया की, छठी मैया की, हर हर, हर हर। अरे रीता रशीद बाजू में खड़े हैं, बीजेपी की तो जय श्री राम होगा ही ना, अरे बिल्कुल हो रही, अगर बीजेपी के है तो जय श्री राम बोलना ही पड़ेगा, कहां ना चाहिए न बोल के। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, आप आए, पूजा हुई, पर आपको यह बताना चाहता हूं कि कुछ सालों पहले ये जो तालाब था वो तालाब नहीं था, आप तो है ना इधर 25-30 साल से है कि नहीं है, तो आपको मालूम है क्या था, आज बैठने के लिए जगह हुई, पूजा के लिए जगह हुई, ये गाना वगैरह तो चलता रहेगा, लेकिन पूजा के बैठने के लिए गन्ना लेके जब पूजा करती हो तो आपको समाधान प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, प्राप्त हुआ ना, पहली बार बैठने के लिए जगह मिली ना, मिली ना, ये किसने किया, ये काम राष्ट्रवादी कांग्रेस ने किया, ये काम आमदार जितेंद्र आव्हाड ने किया, ये काम उसके नगर सेवकों ने किया, शिवाजी नगर में शानू करता है, यहाँ पे सातपुते करती है, वहां पे गोटे करती है, वहां पे राजन गिरी करता है, ये समझ के चलिए कि मुंब्रा में जितना भी विकास हो रहा है वो सब राष्ट्रवादी के माध्यम से हो रहा है, और मुझे बड़ा आनंद है कि बीजेपी का होते हुए भी रीता रशीद मैडम ने राष्ट्रवादी के किए हुए काम का इस्तेमाल करके एक अच्छा प्रोग्राम का आयोजन किया है, और मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है कि हमारी बहन बंबई से आती है, जोगेश्वरी से आती है, और लोखन वाला नहीं, जोगेश्वरी जरा गरीब का एरिया है, ये जरा अमीर के एरिया से आती है, लोखन वाला से चलती हुई, जोगेश्वरी जरा गरीब का एरिया है, तो ये अमीर के एरिया लोखन वाला, जहाँ पे अमिताभ बच्चन रहता है, अक्षय कुमार रहता है, वहीं पे रीता रशीद मैडम रहती है, तो हम लोग गरीब लोग यहीं पे रहते हैं, मुमरा आसपास में, शिवाजी नगर इधर ऊपर, गोलाई नगर, ये नगर वो नगर, तो हर साल मैडम ऐसा प्रोग्राम करने के लिए हर साल आप मुमरा आइए, हम आपका सावा स्वागत करेंगे, ऐसा ही स्टेज बना के रखिए, ऐसा ही प्रोग्राम हमारे लिए करिए, क्योंकि साल भर हम प्रोग्राम करके थक जाते हैं, एक प्रोग्राम आपके नाम, जैसे हम करते ना एक शाम किशोर के नाम, वैसा एक शाम रीता के नाम, हमको इसमें कोई गम नहीं। और मैं खास करके यहाँ पे सुभाष भोल, शानू पठान, शमीम खान, रीता रशीद मैडम, सुधीर भगत, जो ये ग्राउंड के मालिक है वो भगत खानदान है, और यहाँ के पुराने लोग हैं,
तो उनकी ही कृपा से ये सब आयोजित किया गया, उनकी ही परवानगी मिली, उन्होंने ना इनकार कर दिया। बाद में मैंने जब सुभाष भोईर से बात की तो बोले ठीक है जितेंद्र तेरे लिए कर लेना। मेरा बहुत पुराना दोस्त है सुभाष भोईर, तो आज उसके आशीर्वाद से भी ये प्रोग्राम हो रहा है। मैं फिर से एक बार रिदा रशीद मैडम को शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने किए हुए काम के इस्तेमाल उसने रंग वगैरह लगा के अच्छा करके थोड़ा सा लोगों को बहलाने के लिए एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। लेकिन मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है कि हमने जो काम किया वो काम से महिलाओं को छठी मैया की पूजा करने में बहुत आनंद आया, ऐसे उनके चेहरे से दिखा। कार्यक्रम तो होता रहिएगा लेकिन अपने माँ बहनों को पूजा, वो गन्ने की पूजा, वो पानी की पूजा, जैसे गंगा मैया का पानी लेके पूजा होती है वैसे आपने यहाँ पे पूजा की, उसका मुझे बहुत बहुत आनंद और गर्व है कि हमने वो काम किया जो आपको उपयोग में आया। आने वाले दिनों में यहाँ पे पूरा कंक्रीट हो जाएगा, वहाँ पे उस बाजू में एक अम्बेडकर भवन खड़ा होने वाला है जिसका काम शुरू किया गया है, और भी सुधार इस परिसर में आएगा। यहाँ पहले आते थे तो आपको मालूम है रास्ता कैसा हुआ करता था, यहाँ पे पहले आप आते थे तो आपको मालूम है कैसे यहाँ की अवस्था थी, अब पानी की बढ़िया परिस्थिति है, आज लाइट की बढ़िया परिस्थिति है, आज रस्ते अच्छे रस्ते हुए हैं, और मैं गर्व से कह सकता हूँ ये सब काम राष्ट्रवादी कांग्रेस ने किया है। तो आने वाले दिनों में चुनाव भी आएगा, रीदा रशीद बुरा मत मानना, लेकिन मैं राजनीति करता हूँ, सियासत करता हूँ, तो हर चीज का इस्तेमाल मैं सियासत के लिए करता हूँ और उसका मुझे कोई गम नहीं है। तो आने वाले दिनों में जब भी चुनाव आएगा, जिन्होंने यहाँ पे काम किया है, जिन्होंने आपको पानी दिया है, जिन्होंने आपकी हर समस्या में आपको मदद की है, जब कोरोना काल था तो मुझे याद है घर घर में हम पैकेट बांटते थे, मैं तो ऊपर छुपे आया हूँ, मेरी तो अस्थि तैयार हो गई थी, तो ये तो मजमान भगवान छठी मैया की आशीर्वाद थे, आपके सबका प्यार था, तो मेरे को अस्थि से उठा के भगवान ने बाजू में रख दिया। तो ऐसा ही आशीर्वाद कायम रखिए, फिर से एक बार आपको छठी मैया की इस पावन अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आगे के कार्यक्रम जाने के लिए इजाजत लेता हूँ, धन्यवाद। एक विषय सांगायचं इच्छा होते, आपण जातानाच ऐकू शकता, मैं हिंदी में बोलूंगी, मैं एक बात बोलना चाहूंगी, साहब जाते जाते सुने, आप कह रहे हो कि मैं आई हूँ, साल में एक बार आती हूँ, तो थोड़ी सी अपने कार्यकर्ताओं से मैं रिक्वेस्ट करूंगी उन्हीं के, कि मैं गए 4 से 5 साल से इसी मुमरा में रहती हूँ, इसी मुमरा से जुड़ी हूँ, इसी मुमरा में काम कर रही हूँ, इसी बहनों के बीच में कर रही हूँ, अगर झूठ है तो बहने बोल दे, जय श्री राम। मुझे जय श्री राम बोलने को बीजेपी का सपोर्ट नहीं लगेगा, मुझे जय श्री राम बोलने बीजेपी का सपोर्ट नहीं लगेगा, इस देश की बेटी हूँ, इस देश के भगवान का और अल्लाह का नाम लेना मेरा हक है, और वो लूंगी और लेते रहूंगी, किसी के सपोर्ट से नहीं लूंगी। और साहब ने कहा, हाँ साहब ने कहा क्या मैं कभी कभी आती हूँ, तो थोड़ी सी जानकारी या फिर जो बाजू में रहते हैं कम जानकारी देते हैं, लेकिन ठीक है जो जानकारी देने में फेल हो गए होने का धन्यवाद। आज मैं जो भी कर रही हूँ, कोई भी त्यौहार मना रही हूँ, आप लोग को पता है कैसे मना रही हूँ, आप लोगों को पता है कितना कष्ट होता है, पता है क्या नहीं, आज मुमरा जानता है कितने कष्ट से मैं प्रोग्राम लेती हूँ, कितना कष्ट लगता है मुझे इन लोग से तुम्हारे लिए हक छीनने को, लगता है क्या नहीं। मैं क्या बताऊँ, मैंने कितना प्रोग्राम किया है, मैंने कितना धार्मिक चीजें बनाई हैं, आज मैंने नहीं कहा कि मैंने तालाब आपसे ले लिया, तालाब के दीवार तो सही आपने बनाया, दीवार है तो आपने बनाई, लेकिन दीवारों को खूबसूरत किसने बनाई, अरे बोलो किसने बनाई, तो पूरी बात रखनी चाहिए, पूरी बात के सिवा बातें अधूरी रह जाती है। मैंने अगर अवार साहब के
इसमें कुछ भी गलत कहा होगा तो मैं सच्ची माफी चाहूंगी। बड़े हैं अमदास साहब है, भले वो बोलते हैं कि मैं अंधेरी से आई हूँ, जोगेश्वरी गरीब है, तो अमदास साहब जोगेश्वरी में ही लोखंड वाला है। अमदास साहब ये वसई की बेटी है, ये भाजी वाले की बेटी है, ये किसी अमीर की बेटी नहीं है। आपने मेरा ससुराल तो याद रख लिया, मेरा मायका नहीं याद रख पाए, क्योंकि आपको बोलने वाले एक साइड बोलते हैं, दूसरा साइड बताते नहीं है। आपकी गलती नहीं है, ये बोलने वाले, ये चमकेगिरी करने वाले, गलत नारे लगाने वालों की गलती है। ये जनता जानती है, जनता को पता है, ये मंच मैंने आज बनाया था आप लोगों के हित में और छठी माई के लिए, राजनीति के लिए नहीं। लेकिन मैं रियली माफी चाहूंगी आप लोगों से, कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए। गए 15 दिन से मैं क्या कर रही हूँ? आपने तो वीडियो देखा होगा, आपने तो क्लिपिंग देखी होगी। इस पे हमला होता है, मुझ पे हमला होता है, क्यों क्यों? बीजेपी जी हूँ इसलिए, या अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन चला रही हूँ इसलिए? नहीं, मैं छठ पूजा मनाने की तैयारी कर रही हूँ इसलिए। मैं उनका श्रेय लेने को जाने का सोच रहे हो क्या? मैं उनका श्रेय लूंगी, लेकिन श्रेय लेने वालों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, श्रेय लेने वालों को तो बैनर लगाना पड़ता है, श्रेय लेने वालों को बैनर लगाना पड़ता है। और हमारे जैसे होते हैं जो वसई की एक गरीब परिवार से आएगी, वही आप लोग की बात जानेगी और वही आप लोग के लिए कहते। इन्हें क्या पता छठी मैया कौन है, इन्हें क्या पता तुलजापुर कौन है, तुलजापुर में कौन बसती है, इन्हें क्या पता? जो इस मिट्टी से जुड़ा होगा वही ये बातें बोल पाएगा। बहनों आप लोग के बीच में सभी गए 15 दिन से बातें हैं, मैंने क्या किया? मैंने तो छठी माई पे और भोले जी पे छोड़ दिया था, मेरी कुछ बहनें मेरे साथ में थी, मेरे पे हमला हुआ, गंदी गाली दे गई, क्या बोला गया? इनका पीएम भी नहीं सोएगा मेरे साथ, क्या बोला गया? ऐसी वर्ड मेरे साथ यूज किए गए। लेकिन मेरे को आप लोगों के फेस याद आए, मुझे छठी माई की बात याद आई, संघर्ष करो, माई मेरे साथ है, यही माँ की बेटी हूँ साहब, यही माँ के परड़ी से खा के बड़ी हुई बेटी हूँ मैं। ऐसे ही लोखंड वाला नहीं गई, ऐसे ही नहीं गई हूँ, बड़े तकलीफ से बड़ी हुई हूँ और फिर शादी करके मुझे भगवान ने, मेरे अल्लाह ने वहां पहुंचाया है। आप क्या जानो, आप ही तो आते हो ना थाना से, आपके नगर सेवक क्या थे? चानी में रहते थे, आज बंगला हो गया, उसके बारे में कब तारीफ करोगे आप? करिए ना उनकी तारीफ, इन्हीं के बलबूते हुए हैं ना। अरे वो तो 5 साल में एक बार भी नहीं आए, मैं साल में एक बार तो आती हूँ आप लोग के पास, सही है क्या? नहीं बहनों, चलिए बस है, आप लोग के लिए मन सजाया था। और रियली मैं माफी चाहूंगी क्या, मुझसे कोई गलती हुई होगी, मैं छठी मैया से भी माफी चाहूंगी, मैं मेरे अल्लाह से भी माफी चाहूंगी, आप लोग के करने में मेरे से कुछ छूट गया होगा तो। बस इसी तरीके से साथ बनाए रखिए, मैंने क्या किया है, क्यों किया है, मैं कैसे कर रही हूँ, मैं कितने तकलीफ में कर रही हूँ, ये सभी आंखों के सामने है, ये लोग ने ही आप लोग के सामने लाया है बहुत सारी बातें। तो बस इसी तरीके से दुआ बनाए रखिए मेरे पे, और बस आप लोगों के बीच की बेटी हूँ, आप लोगों में ही रहना चाहती हूँ, किसी जानकारी नहीं हो, मैं उन्हें जानकारी आगे हम सभी मिलके देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं यहाँ पर जितनी मेरी बेटी है, बहने बेटी है, उन्हीं का सभी का, भाइयों का भी, मैं भाइयों का नाम भूल जाती हूँ इसमें विशेष, सभी भाइयों का, सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जितने पुलिस डिपार्टमेंट, मैं बोलूँगी वो सीपी साहब से लेके, मैं सच बोलती हूँ, आप लोग को यकीन मानना पड़ेगा, आज हमारा प्रोग्राम हो रहा है, मैं बिल्कुल अमदार साहब का भी धन्यवाद मांगती हूँ। मैंने भी कॉल किया था, प्लीज मदद करिए, रोकिए इन लोग को, प्लीज मुझे मदद करिए, रोके इन लोग को, आपके नाम से बहुत गलत चल रहे हैं, आपके नाम से मुझ पे बहुत अत्याचार कर रहे हैं। मैंने किया था फोन, मैं बोलती हूँ मैंने किया था अमदार साहब को फोन, क्या प्लीज इन्हें रोकिए, बहुत मेरे पे अन्याय हो रहा है,
बहुत बहुत धन्यवाद सभी पुलिस डिपार्टमेंट को, सीपी साहब से लेके हमारे और हमारे सभी मंच पे जितने भी हमारे हमारी लड़का दी हो, हमारे भाई हो, हमारे सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेरे साथ में जो रहते हैं, सभी ऑफिस के स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद। दिल दुखता है तो महिला बोलती है, और जब एक औरत बोलती है ना, उसकी आवाज़ ऊपर जाती है, ये हमें यकीन है। तालियां होनी चाहिए आपकी तरफ से, तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आवाज़ है ना, ये आवाज़ जब दिल से निकलता है ना, कोई बात दिल से निकलती है ना, वो जाके दिल में धंस जाती है। तो वो अंधार आप सभी के बीच में बन करके